सब्सक्राइब कीजिए रोज गेमर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकॉन को भी कीजिए ऑल पे सेट ताकि आप लोग देख पाए लेटेस्ट ऐसे गेमिंग इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस। What's up guys, welcome back to the new video of Rose Gamer. तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं एक और न्यू हॉरर गेम, जिस गेम का नाम है गाइस ग्रैनी। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि ग्रैनी तो मैंने ऑलरेडी उसकी पूरी सीरीज कंप्लीट कर रखी है फिफ्थ तक, तो भाई ये ग्रैनी 3 होने वाला है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। देखो भाई, हम लोग जब ग्रैनी के घर से भागते थे तो कितने मजे लेते थे, ग्रैनी के सब कुछ करते थे, बट गाइस इसमें होने वाला है उल्टा। हम लोगों को भाई मतलब ग्रैनी बने हुए हैं हम लोग इस गेम में, और हम लोग को किसी को तो रोकना है अपने घर से एस्केप करने के थ्रू। तो भाई यही कुछ गेम का सीन होने वाला है, तो लेट्स गो भाई, चलते हैं गेम में। और भाई हम लोग इसमें बनने वाले हैं ग्रैनी बनेगी भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। तो गाइस वेलकम टू दी ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। तो लेट्स गो भाई, नाइट वन अपनी स्टार्ट हो चुकी है। और भाई अभी ना हम लोग ना ग्रैनी में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है, तो भाई हम लोग जब भागते थे तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से आते थे, तो हम लोग आते थे बेसमेंट से। तो सबसे पहले ना गाइस मैं जाने वाला हूँ बेसमेंट में, और भाई देखते कि हम लोगों का जो प्रोनेस वाला दिमाग मैंने जो अभी लगाया है वो सही होता है या फिर भाई अपना भाई कुछ पागल बनती जैसा पोपट हो जाता है। बट लेट्स गो भाई, गेम पूरा टिट्टो ग्रैनी 3 का बनाया हुआ है, एकदम सही गेम है। लेट्स गो, अभी मैं नीचे आ चुका हूं। और भाई साहब अपना जो दिमाग था एकदम सही, ये तेरी भैंस के पे भाई। ओ शिट यार, ये बच गया भाई, कैसे बच गया पता नहीं। हम लोग ग्रैनी के ऐसे ऐसे कभी जाते तो हम लोग तो नहीं बचते थे, बट भाई ये बंदा कैसे बचा है भाई इसको ही पता। और ये अभी भाग के भी कहां पर गया, ऊपर गया है या फिर बाहर गया या फिर इस वाले साइड गया भाई, मेरे को लिटरली पता नहीं। बट भाई ढूंढना तो पड़ेगा, अगर उसने एस्केप कर लिया तो हम लोग गेम हार जाएंगे, यही कुछ गेम का रूल होने वाला है। तो भाई कहाँ पर है भाई, भाई साहब आगे तो आ जा भाई, कभी इसको शॉटगन मिल गई ना भाई तो अपने। अबे भाई वाह वाह, इधर आ जा बेटा इधर। अबे तेरी बेस्ट, अबे क्या गुलाटी मार रहा है ये भाई। मैंने आज तक ग्रैनी के, अबे यहाँ पर रुका भाई, ये कितना ज़्यादा पागल है। और मैं कह रहा था मैंने आज तक ग्रैनी इतने बार एस्केप किया, हम लोगों को कभी ऐसा चांस नहीं मिला गुलाटी मारने का। और भाई यहाँ से जो कि अपनी नाइट 2 स्टार्ट हो चुकी है, मतलब भाई फर्स्ट नाइट जो अपनी थी वो एकदम अच्छी गई भाई, से रख के पड़ा ना उसके सर पे, शायद से कोमा बीमा में चले गया। बट कोई ना, अपने हो गया, हम लोगों को तो गेम जीतने से मतलब है। वैसे नाइट 2 में और भी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाती होगी, नाइट 5 में क्या होगा हम लोगों के साथ मुझे तो अभी तक पता ही नहीं है भाई, देखेंगे क्या होगा। वैसे अभी मैं बाहर चेक कर रहा हूँ, बाहर तो नहीं है बंदा वो। कोई ना भाई, बाहर तो है नहीं। वैसे ये एस्केप किसके थ्रू करने वाला है, शायद से मेरे को लग रहा है इसमें कुछ कार एस्केप है, यहाँ तक मैंने गेम की जो डिटेल देखी थी उसमें मेरे को पता चला है। वैसे हाँ भाई लेट्स गो, बेसमेंट में फिर से चलते हैं। ये बेसमेंट में आगे भाई बार बार वो थोड़ी गधा है भाई, वो क्या बार बार बेसमेंट में थोड़ी छुपने वाला है वो। मैं भी पागल हूँ जैसे हरकतें कर रहा हूँ बेसमेंट में देखे जा रहा हूँ, तब तक तो उसको कोई एस्केप का सामान मिल गया ना कुछ की वगैरह तो भाई अपनी बैंड बच जाएगी लिटरली। तो कहाँ पर गया है यार भाई, कब से ढूंढ रहा हूँ इसको लिटरली, कभी तक अभी मेरे को मिला ही नहीं है भाई ये बंदा। मैं क्या बोल रहा हूँ इसकी वजह से मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। वैसे यहाँ पर एक बार चेक, अबे भाई सब तेरी वैसे रुक रुक, अबे डंडा, अबे भाई ओ भाई ये क्या गुलाटी मारता भाई, ये बंदर प्रजातियों से आया क्या पता नहीं। ये गेम में तो भाई अलग ही दे रखा है भाई, जो प्लेयर है ना उसमें भाई अलग ही सीन है भाई, प्लेयर तो क्या है बच जाता है। वैसे हाँ भाई अभी ये मेरे हाथ से बचना नहीं वाला है, क्योंकि इसको मैंने देख लिया है कहाँ पर गया है ये नुबड़ा भाई। हम लोग ग्रैनी को ऐसे पागल बनाते थे ना लिटरली। तू एकदम अभी शांति से जाएगी, शायद से वहां पर तेरी भैंस की बेटा तू पीट। अबे भाई साहब, अबे भाई गंदा वाला लगा मेरे को, लगा फिर से बचा है, बट इस बार इसके मुकड़े पे मतलब मुंह पे लगा सीधा। लेट्स गो भाई, तो गाइस नाइट 3 स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार हम लोग बाहर स्पॉन हुए हैं। शायद से जो अपना प्लेयर भी है ना वो शायद से बाहर पे उसका एस्केप होने पे गेम आ गया होगा, मेरा ऐसा दिमाग कह रहा है। तो भाई हम लोगों को शायद से उसको बाहर ही फाइंड करना होगा, तो भाई देखते बाहर का भी नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। वैसे मैंने ऑलरेडी देख रखा है जब मैं उसको ढूंढ रहा था, वैसे कुछ इतना खास नहीं है, वही अपने ग्रैनी वाली वाइफ आती है। बाकी बेटा तू है कहाँ पर भाई, जल्दी से सामने आ जा, सामने आके भाग अगर, क्योंकि भाई मेरे को भी पता चले कि गया कहाँ पर। वैसे मैं ट्राई करता हूँ इस पानी के अंदर मैं जा सकता हूँ क्या, नहीं यार नहीं जा सकते भाई, ग्रैनी का ही घर है, ग्रैनी खुद ही ना नहीं सकती, मतलब ये क्या ही भाई दिक्कत वाली बात है। वैसे तू है कहाँ पर यार, ये मिल नहीं जा रहा बंदा। पर गाइस मेरे को लग रहा है मेरा दिमाग थोड़ा मैंने गलत यूज कर लिया हो याद, मतलब हालांकि वो घर में भी हो सकता है, घर में भी चेक करना चाहिए। तो छोड़ो अभी बाहर ढूंढना मैं जाता नहीं हूँ, मैं सीधा घर में ही चले जाता हूँ। ओके गाइस, फिर से मैं घर में आ चुका हूँ, और फिर से मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जिस जगह पर वो मेरे को 2 टाइम याद तक मिल चुका है, 2 टाइम ही ना। हाँ भाई, अबे वेट भाई ये क्या हुआ, ये यहाँ से भी भाग गया, मतलब ये नुमड़ा यही पर ज्यादा तक आगे झुकता है। बट भाई पता नहीं अभी उसने जगह चेंज कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रुक जा बेटा रुक जा, तेरे ऐसा रख के पड़ेगा ना भाई, क्या ही तेजी से
भाग रहा है। वैसे हाँ, हम लोग भी जब ग्रैनी खेलते थे, ग्रैनी इतनी स्लोली आती थी, हम लोग ग्रैनी के मजे लेते थे कि भाई पकड़ ही नहीं पाएगी। वैसे इसी ने इसमें भी हो रहा है। वैसे कमेंट में बताओ यार आप लोग कि ये गेम कैसा लगा तेरी बेस्ट की। अब इसको यहाँ से जाके पकड़ू या वहाँ से, पता समझ में नहीं। अबे भाई साहब, इसका शॉटगन है भाई, शॉटगन मिल गई इसको तेरी बेस के। अभी डंडा पड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर से बच गया। रुको पर भाई, तू कितना भी भाग ले, तू तो मेरे हाथ से अभी पिटने वाला। अबे यहाँ पर रुक गया तेरी बेस की, ये पड़ा भाई। अबे फिर से बच गया यार, इतने पास से भी मैं नहीं मार पाया भाई मेरे को। भाई अभी नूब मत लिखना यार कमेंट में भाई, इतने गलती हो जाती है, पता नहीं ये गेम का क्या सीन है। वो भाई मतलब हम लोगों को दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो भी मैं उसको मार नहीं पाया। वैसे उसने अभी गाइज यहाँ से भाग दौड़ लगाना चालू की है तेरी बेस की, तू तो पकड़ा जाएगा भाई। इसमें ना मतलब अपनी जो कैरेक्टर रहते थे जब हम ग्रैनी खेलते थे, तो सेलेंड्री ना ग्रैंड पाते तो वैसे। अबे तेरी बैस के, रुक रुक रुक, अबे शॉटगन से मार दिया यार। गाइस मैं ये सोच के दुखी हो रहा हूँ, मैं ग्रैनी क्यों बना, मैं ग्रैंडपा बनता तो मेरी शॉटगन मेरे पास ही रहती और मैं इसके ऐसे थोकता ना भाई, हेडशॉट ही देता कि ये भाई समझ ही नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर अच्छी बात ये है, जो उसने मेरे को डैमेज वाला इफेक्ट दिया था वो फिलहाल तो अभी मतलब खत्म हो चुका है और हम लोग अपनी नॉर्मल स्पीड में ही चलने वाले हैं। बट ये भाई ये गया सीधा घर में ही है। अभी फिर से भाई इसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों की स्पीड जो थी वो कम हो गई थी। फिर से ना भाई मैं उसी जगह पर जाके एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। नहीं यार ये इस बार इस जगह पर नहीं है भाई, वो भी भाई शातिल बंदा है एकदम, देख रहे हो दिमाग वाला, उसको भी पता है हम लोग सबसे पहले आगे यही पर चेकआउट करने वाला है, तो वो वहां पर नहीं तो तेरी बेस की यहाँ पर खड़ा ऊपर। चल बेटा निकल भाई, क्या पड़ा है ना इसके, सीढ़ी के ऊपर गिरा है ना ये, देख रहे हो यहाँ पर खड़ा रह के नजर डाल रहा है और सीधा हेडशॉट मारने वाला। वैसे गाइस अभी अपना नाइट 4 जो कि स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद अपना सबसे फाइनल राउंड मतलब कि नाइट 5 स्टार्ट होने वाली है। तो पता नहीं भाई, पता चल रहा है उसको सीधा उसमें कार भी की वगैरह मिल जाए और सीधा गाड़ी में बैठ के एस्केप करने वाला सीन हो। बट गाइस मैं थर्ड फ्लोर पे यहाँ तक चेकआउट करके नहीं आया हूँ, क्या पता तुक्का लग जाए और थर्ड फ्लोर पे भाई बंदा मिल जाए। बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, वो जो कि थर्ड फ्लोर पे है ही नहीं, तो मुझे नीचे ही चेकआउट करना पड़ेगा। हेलो भाई, किधर है तू भाई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, बाहर भी ढूंढ के आया बेटा। अबे भाई साहब ये दिख रहा हूँ यहाँ से बेसमेंट से भाग के आया, मैंने बेसमेंट चेक ही नहीं करी थी और बेटा पीछे कोई नहीं, आगे ये सब कुछ आ तेरी भैंस। अबे भाई इसने गुलाटी मार के भाग गया भाई, ये अभी पिटा बहुत गंदी तरह से पिटने वाला है। पर भाग भाग के जाएगा कहाँ पर, उसी साइड पे गया है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। पर गाइस वहां से एक बाहर जाने के लिए भी डोर है, तो वहां से अगर वो बाहर चला गया तो भाई दिक्कत आ जाएगी। बट लेट्स गो भाई, चेकआउट करते हैं, दरवाजा खोलो, ये देखो नूबड़ा यहीं पर खड़ा। भाई शॉटगन मार दिया और भाई ये क्या गंदी शॉटगन मार, तेरी बहस किया और डैमेज दे दिया, नहीं तो बहुत गंदा पीटने वाला। अभी भाई ये गया, पक्का गया, इसको ऐसा मारूंगा ना भाई, इसकी शॉटगन सबसे पहले तो छीनूंगा। वैसे पता नहीं हम लोग गेम में शॉटगन छीन भी सकते हैं या फिर नहीं, ये GTA थोड़ी है। वैसे गाइस हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे थे GTA की वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो आएगी जरूर बट टाइम लगेगा थोड़ा। लेट्स गो भाई, ये कहाँ पर भागा नूबड़ा पता नहीं, मैं देखते यही पर कहीं भागा क्या, कि नीचे भागा ऊपर भागा, यहाँ पर है क्या भाई, नहीं यहाँ पर तो है नहीं, मेरे को लगता है ये ऊपर ही भागा होगा। एक बार ऊपर चल के देख के आते हैं भाई, हेलो है क्या तू ऊपर, पता नहीं आवाज भी नहीं दे रहा, वो क्यों देगा आवाज, उसको तो एस्केप से मतलब है। यहाँ पर है, यहाँ पर तो ग्रैंड पा करूँ भाई साहब, किधर भागा भाई, कुछ तो भाई इशारा तो दे दे कि भाई इधर भागा हो, वेट वेट वेट, यहाँ पर चेकआउट करते हैं एक बार ही, पता नहीं क्योंकि दो तीन बार तो यहाँ पर, दो तीन नहीं एक दो बार तो मुझको यहाँ पर ही मिल चुका है नूबड़ा, बट यहाँ पर तो वो है ही नहीं भाई। कहाँ पर है यार, नाइट 4 में इतना भाई तू सीरियस ले लिया गेम। ओबे भाई वो देखो, वो देखो, ओबे तेरी बस की शॉटगन मार दिया यार फिर से भाई साहब, ये कहाँ पर छुपा था पता नहीं, शायद से एमओ ढूंढने गया था शॉटगन के रिलोड मारने के लिए, और भाई इसने ऐसी गंदी वाली बजाई है ना, मेरी स्पीड स्लो कर दी थी। बट बेटा तो अभी नहीं बचेगा, एक बार ही शॉटगन मत चला, देख तेरे को ऐसा डंडा पड़ेगा ना ग्रैनी का, कि तू भाई मतलब भूल ही जाएगा कि तू कहाँ पर आया था। और बाकी गाइस उसने कार का भी कवर ले लिया और वहां से शॉटगन चला रहा है, पर तू इधर आ बेटा तेरी बैस की, फिर से गुलाटी मार ली भाई इस बंदे ने, भाई इस बंदे का तो अलग ही स्वैग है, फिर से वहां पर जाके छुप गया। बट भाई अभी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है यहाँ पर, और इसको ऐसा गंदा वाला हेडशॉट पड़ने वाला ना तेरी बैस की, बेटा चल निकल भाई, गंदा वाला इसके मुंडी पे गिरा ना ऐसे एकदम गर्दन पे, कि भाई ये सो ही गया सीधा। गाइस गाइस गाइस, फाइनल डे इन हाउस मतलब कि अपना पांचवा दिन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और भाई अभी भाई उसके पास पता नहीं शॉटगन तो है ही, वैसे शॉटगन गई रहेगी या फिर रहेगी उसके पास पता नहीं, बट हम लोगों को तो एकदम बच के ही खेलना है, एकदम सेफ फुल खेलना है। बट उसके ऐसे रख के बजाना है ना कि वो भी बंदा बोलेगा कि भाई किससे पंगा पड़ लिया रोज गेमर से। पर गाइस थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा तो मतलब मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बट छोड़ो भाई, है कहाँ पर तू, यहाँ पर है क्या, नहीं भाई यहाँ पर भी नहीं है भाई। हेलो भाई, जल्दी जल्दी मिल जाए भाई, मेरी ऑडियंस भी बोर हो रही है मेरा वीडियो देख के। वैसे आप लोग, अबे भाई साहब ये क्या कर रहा भाई, ये क्या सीन है, मतलब
इसने क्या हेडशॉट बजाया, बट अच्छी बात यह है ये नुबड़ा यहाँ पर ही भागा है, इसको हम लोग इजीली पकड़ ले गए। मुझे लगा नीचे भाग गया, क्या उसने एम ही करके बेटा था आएगा सीधा हेडशॉट पड़ेगा ग्रैनी को, बट कहीं कहाँ पर है भाई यहाँ सब। ओ वेट वहाँ से देख रहे हो चलाक देख रहे हो बंदा तेरी भैंस की, बेटा तू इधर। ओ भाई ये क्या हुआ अभी, ये गेम को क्या हुआ, ये गेम फिर से ग्लिच हो गया, क्रैश हो गया क्या गेम भाई यार। इसलिए मेरे को ऐसे गेम खेलना पसंद नहीं, आप लोगों ने इंस्टा पे मैसेज करा था ये गेम खेलो इसलिए खेला, और ये कुछ अलग ही हरकत हो गई। चलो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो का लाइक है पूरे के पूरे 10 लाइक्स का तो पूरा करना याद से, और चैनल भी तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, शेयर करना हाँ तो शेयर तो कर ही देना, और वैसे हाँ अकाउंट में अच्छी अच्छी कमेंट लिखना भूलना नहीं तुम्हारे भाई को, इंस्टा फेसबुक ट्विटर पे सब पे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। मिलते हैं इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।